हाँ जी, वेलकम टू वेन्यू पाजी, जहां मैं आपको दिखाता हूँ फंक्शन वेन्यूज और बैंकेट्स की लाइव डेकोरेशन और उनका सेटअप। तो जी आज मैं आ गया हूँ वजीरपुर। वजीरपुर कहाँ पे? एवानी बैंकेट, जो कि है प्रेस एरिया पंजाब केसरी के बिल्कुल साथ में। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले देखते हैं कैसी है यहाँ की डेकोरेशन और फिर बात करेंगे क्या है यहाँ पर प्लेट चार्जेस और कितने लोगों की हो सकती है गैदरिंग। तो चलें फिर, लेकिन उससे पहले मेरा लोगो म्यूजिक। तो जी एक बार मैं आपको लोकेशन समझा देता हूँ। जब आप वजीरपुर से आएंगे तो पंजाब केसरी प्रेस एरिया है ये, बिल्कुल साथ में ये प्रेस है जो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बिल्कुल जस्ट साथ में ये अवानी बैंकेट है, ठीक है जी। और यहाँ पे आप एक जो मुझे प्लस पॉइंट लग रहा है कि यहाँ पे पार्किंग स्पेस बहुत है, बिल्कुल खाली जगह है, जहाँ मर्जी आप पार्किंग कर सकते हैं और आगे तक है ये। यहाँ पे कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से 200 के आसपास गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क हो सकती हैं। आइए अब जानते हैं यहाँ पे कितने लोगों की हो सकती है गैदरिंग और क्या है यहाँ पे पर प्लेट चार्जेस। तो हेलो मैम। हेलो सर। तो मैम सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम धारणा वर्मा। और सर आपका? मेरा नाम विक्रम बोरा है। विक्रम, ओके। तो मैम यहाँ पे कितने लोगों की गैदरिंग हो सकती है? यहाँ पर 400 लोग अकोमोडेट हो जाते हैं आराम से। ओके, एक बड़े फंक्शन में। हाँ जी, और जो मिनिमम गैदरिंग है वो सर हम 100 तक ले लेते हैं। मिनिमम 100 ले लेते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सीजन। ओके। और मैम जैसे अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, गाइडलाइंस जो हैं वो बार बार चेंज हो रही हैं, कभी 200 की हो रही हैं, कभी 50 की हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके मतलब कुछ है कि मतलब मिनिमम 50 लोगों तक का भी आप कर रही हैं? जैसे एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डील कर रहे हैं। ओके। और मैम यहाँ पे कौन कौन से मेन्यूज हैं वैसे?
सर दो मेन्यू है हमारे पास, एक डिलेक्स मेन्यू है, एक रॉयल मेन्यू है। डिलेक्स मेन्यू हमारा बेसिक मेन्यू है जो छोटे फंक्शन में सगन हो गया आपका, बर्थडे पार्टी, चौकी, उसमें चलता है, और वेडिंग के लिए रॉयल मेन्यू है। अच्छा, और मैम इनकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? रेंज अकॉर्डिंग टू सीजन ही है, और 800 से स्टार्टिंग है इसका। अच्छा। 800 से लेके 1500 तक जाता है ये। 800 से लेके 1500 तक। हाँ जी। ओके, और मैम यहाँ पे नॉन वेज भी सर्व होता नहीं, है क्या? नहीं, नॉन वेज नहीं है, प्योर वेज है हमारा। ओके, यहाँ पे प्योर वेज है, बट लिकर सर्व कर सकते हैं? लिकर सर्व कर सकते हैं आप। ओके, तो उसमें क्या कहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस कस्टमर को पे करने होते होंगे लिकर सर्विस के, या वो उसके लिए पीटन लाइसेंस देना पड़ता है कस्टमर को? 15,000 का लाइसेंस है। अच्छा, हमारे गैदरिंग के अकॉर्डिंग कॉर्क के चार्जेस होते हैं, अगर गैदरिंग 200 से बिलो है तो 5,000, 200 से अबव हो तो 10,000 कॉर्क के चार्जेस होते हैं। ओके, सो वो आपका एक पैकेज, मतलब चार्जेस का एक पैकेज है, वो पर बॉटल के हिसाब से नहीं है? पर बॉटल के हिसाब से नहीं, अकॉर्डिंग टू लाइसेंस, और विस्की वो अपने आप ही परचेज करते हैं। ओके, सो आपके जो चार्जेस हैं वो 2,000 से स्टार्ट हैं? 5,000 से स्टार्ट हैं। ओके, तो मैम सर यहाँ पे मतलब जो ज़्यादातर बैंक शादियों के टाइम पे या सीज़न हैवी सीज़न में जो पार्किंग की समस्या आती है, उसको लेके आपके पास मतलब क्या ऑप्शंस हैं? हमारे पास जो है हैजल फ्री पार्किंग है। ओके, हम वैले पार्किंग, वैले ड्राइवर भी देते हैं। ओके, साथ में 150-200 गाड़ियाँ की हमारे पास पार्किंग स्पेस। अच्छा, 150-200 तक की गाड़ियों का स्पेस है, और वैले पार्किंग भी आप प्रोवाइड करवाते हैं? ओके, सो उसके कुछ अलग से चार्जेस होते हैं? नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट्री हमारी तरफ से। अच्छा, और सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, अब मतलब जो एक वेडिंग की बेसिक डेकोरेशन होती है उसके क्या चार्जेस हैं, और डीजे के क्या चार्जेस हैं? डीजे विद एलईडी स्क्रीन दे रहे हैं हम। ओके, उसके जो चार्जेस ले रहे हैं 7,000 ले रहे हैं। ओके, बाकी फुल फ्लावर पैकेज के 25,000 लेते हैं। 25,000 ये वेडिंग पैकेज। और अगर जैसे कोई छोटा फंक्शन होता है, जैसे सगन है या एनिवर्सरी है, उसमें हम 7,000 ही ले लेते हैं, जिसमें अगर एनिवर्सरी है तो हम जयमाला भी देते हैं, और जयमाला देते हैं हम अपनी तरफ से। ओके, और सर एक जो बैलून डेकोरेशन होती है वो कितने? वो सब कॉम्प्लीमेंट्री हमारी तरफ से। अच्छा, वो सब आपकी तरफ से? थीम को छोड़ के नॉर्मल जो बैलून लगाते हैं वो सब हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, वो सब कॉम्प्लीमेंट्री है, और डीजे जो है वो 7,000 से स्टार्ट है विद स्क्रीन। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तो जी यही थी इस बैंकेट की इंफॉर्मेशन, बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली बैंकेट जाके पता कर सकते हैं। बैंकेट जाने का रास्ता और उसका एड्रेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर देना। तब तक के लिए चीयर्स।